नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कि हमने कल सिक्रेस कोर्स स्टार्ट किया था तो आज हमारा उसका लेक्चर नंबर टू है। लेक्चर नंबर टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो मैंने बताया था कि अगर कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स और पैरामीटर जो है वो पी है, तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीरो टू इन्फाइनाइट ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, कि हमें फंक्शन देगा और एक पैरामीटर देगा। तो फंक्शन दे के अगर हमें पैरामीटर देके लाप्लास पूछे तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा उसका लाप्लास फाइंड कर सकते हैं, लाप्लास फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूले के ऊपर हमने दो लाप्लास पढ़ लिए थे, कि लाप्लास एक्स की पावर एन का पढ़ा था हमने, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन ओवर पी जो होता है वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, और एक पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए एक्स का, कि e की पावर ए एक्स का जो लाप्लास होता है वो था वन अपॉन पी माइनस ए। तो ये दो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लिए थे हमारे लेक्चर नंबर वन के अंदर, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हम नेक्स्ट लाप्लास की बात करते हैं, कि अगर हमें कहीं भी एक्स की कोई पावर दी हुई है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इससे फाइंड कर पाएंगे। अगर हमें e की पावर ए की जगह कोई वैल्यू देगा तो इससे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। अब इनकी बजाय अगर साइन एक्स कोस एक्स वगैरह दे दे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हमें। तो नेक्स्ट है कि अगर आपको पूछ ले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए, तो इनका लाप्लास अगर हमें फाइंड करवाए तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन, कि सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए एक्स ओवर पी का हमने डिस्कस कर लिया था कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो वन अपॉन पी माइनस ए होता है, कि ई की पावर ए एक्स का लाप्लास पढ़ा था हमने और ई की पावर ए एक्स का जो लाप्लास है वो ये होता है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि ई की पावर अगर आइटा ए एक्स कर दूँ यहाँ पे, तो ई की पावर आइटा एक्स का जो लाप्लास होगा वो होगा वन अपॉन पी माइनस आइटा, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ई की पावर आइटा थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो इसलिए हमने ई की पावर आइटा ए एक्स लिया, जिससे अगर इसमें ई की पावर आइटा थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कोस भी आ जाएगा और साइन भी आ जाएगा, तो ये दोनों लाप्लास हमारे पास फाइंड हो जाएंगे। तो इसमें ये फॉर्मूला मैं लगाऊं तो ये बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर आइटा थीटा, काम कौन करेगा ए एक्स करेगा, तो ये बन जाएगा कोस ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस आइटा, तो ये जो वन अपॉन पी माइनस आइटा ए है इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूं इसके कंजुगेट से पी प्लस आइटा ए से, मल्टीप्लाई करवा दे और डिवाइड कर दे, तो यहाँ से ये बन जाएगा पी प्लस आइटा ए अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी,
इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं तो इसको मैं लिखता हूं पी अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आइटा ए अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कह सकता हूं। अब यहां से क्या करूं, किसमें कंपेयर कर लूं कि यहां एक लीनियर प्रॉपर्टी होती है लाप्लास के अंदर, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो उस लीनियर प्रॉपर्टी से इसको मैं ये लिख सकता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी प्लस आइटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू पी अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आइटा ए अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कि लीनियर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं तो उनका लाप्लास अलग अलग हो जाएगा, अगर कोई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ से ऐसा मैंने इसलिए किया कि जिससे मैं ये इसका क्या हो गया रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की हम कंपेयर कर सकें। तो इसमें क्या कर लें, कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हो तो उसका रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो यहां से याद आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पी अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो हमारे कोस ए एक्स का हो गया कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट बराबर हो गया। फिर इमेजिनरी पार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू हो जाएगा ए अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अगर हमें कहीं भी कोस ए एक्स या लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे या साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे तो ये फॉर्मूले हमारे पास आ गए कि कोस एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो होता है पी अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इनको हम यूज कर पाएंगे तो दिखाता हूं मैं इसको किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके। तो दो फॉर्मूले आपके पास पहले थे x की पावर n का e की पावर x का और दो और आ गए, तो ये फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए। कि एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको पूछ लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5x विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p, कि सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p का जो होता है वो होता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इससे कंपेयर करूं तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 5 है, और अगर पैरामीटर चेंज कर दे तो p की जगह वो वैल्यू रख देंगे कि p की जगह अगर s कर दे पैरामीटर तो s हो जाएगा। तो यहां से मैं ये कहता हूं सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5x विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी a की वैल्यू 5 हो गई इसमें। तो ये आपके पास क्या गया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। तो आपको दो तीन फंक्शन ऐड करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेगा तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे वहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो ये हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। तो नेक्स्ट अगर आपको पूछ ले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सिंस साइन हाइपरबोलिक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर माइनस थीटा अपॉन टू। तो हाइपरबोलिक थीटा में यहाँ थीटा की वैल्यू एक्स है तो इसका यूज कर लेंगे हम। उसके बाद इसमें एक लीनियर प्रॉपर्टी होती है वो मैं बता देता हूँ, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोई कांस्टेंट c1 इंटू एफ वन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट c2 इंटू एफ टू एक्स ओवर p अगर हो तो इसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p अलग हो जाएगा
प्लस सी टू बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू एक्स ओवर पी अलग हो जाएगा। तो यह है लीनियर प्रॉपर्टी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन दो का यूज करेंगे हम, इनका यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाई पैराबोलिक ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी को मैं लिख सकता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक थीटा का हो जाएगा ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन टू विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी। उसके बाद ये लीनियर प्रॉपर्टी यूज कर लूँ तो कॉन्स्टेंट सी वन का काम कौन करेगा, वन बाई टू करेगा, इसमें भी वन बाई टू करेगा अलग अलग करूंगा। तो ये जगह वन बाई टू इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी को अलग कर दूँ माइनस वन बाई टू इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी को अलग कर दूँ। और e की पावर ax का लाप्लास का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया, तो यह जाएगा 1 बाई टू इंटू वन अपॉन, इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन p माइनस ए, यह जाएगा माइनस का 1 बाई टू इंटू वन अपॉन, इसका a पॉजिटिव था तो माइनस ए आया, यहाँ a नेगेटिव है तो क्या जाएगा प्लस ए हो जाएगा, तो यह जाएगा 1 अपॉन p प्लस ए। तो यहाँ से हम इसे सोलो करेंगे एलसीएम लेके कि 1 बाई टू, तो यहां से मैं कह सकता हूं इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है साइन हाई पैराबोलिक ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू, इसमें वन बाई टू मैं कॉमन ले लूं दोनों से और पी माइनस ए इंटू पी प्लस ए एलसीएम ले लूं। तो ये अगर एलसीएम लेऊंगा तो ऊपर जो आपका टू ए आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस बी ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां हम ये कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी का जो फॉर्मूला आया वो हमारे पास ये आ गया कि साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का जो फॉर्मूला है कि अगर उसका लाप्लास पूछेगा तो यह आएगा ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जबकि साइन ए एक्स जो था उसमें आया था ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक माइनस का डिफरेंस आएगा। ऐसे ही हम फाइंड कर पाएंगे सिमिलरली अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का पूछ ले तो उसमें कोस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, कोस हाइपरबोलिक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन टू, तो इसमें जहां प्लस माइनस आया वहां प्लस होता जाएगा। तो इसका लाप्लास अगर फाइंड करें तो कोस ए एक्स का ध्यान रखो, कोस ए एक्स का क्या था पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपके पास कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं फॉर्मूले हैं जो आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। तो मैं एक बार आपको ये सब फॉर्मूले रिकॉल करवा देता हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी आया हमारे पास फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन। दूसरा हमने किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी आया हमारे पास वन अपॉन पी माइनस ए। नेक्स्ट किया हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू आया ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट किया हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उससे नेक्स्ट किया साइन हाइपरबोलिक ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नेक्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चंस के लिए, अगर ये ध्यान में रहेंगे तो क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर।
नेक्स्ट अगर आपको पूछ ले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर बी एक्स इंटू साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p, विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो इसमें हम डेफिनेशन लगा के इसको सोल्व कर पाएंगे क्योंकि साइन एक्स का लाप्लास हम जानते हैं लेकिन उसको e की पावर bx से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हम इस क्वेश्चन को डेफिनेशन से करेंगे। हालांकि बाद में प्रॉपर्टीज भी आएंगी तो जब प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे उसके बाद प्रॉपर्टी से समझा देंगे आपको, तो अभी तो डेफिनेशन पढ़ी आपने केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की और उस डेफिनेशन के आधार पर हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन थी वो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो हेयर इस क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन दिया इसने ई की पावर बी एक्स इंटू साइन ए एक्स, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर बी एक्स इंटू साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू जगह इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू ई की पावर बी एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स। तो यहां से इसको लिख सकते हैं जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी माइनस बी इंटू एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स, ई की पावर के साथ कर लिया तो इसको मैं ये लिख पाऊंगा। तो यहां देखो कि फंक्शन ऑफ एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो ये होता है, तो ये दोनों चीजें इक्वल हैं कि अगर ऐसा लिखा हो तो उसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये किसका लाप्लास है फंक्शन का और पैरामीटर क्या पी है। तो यहां इसको मैं ये लिख सकता हूं कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका साइन ए एक्स का लेकिन पैरामीटर क्या हो गया पी माइनस बी हो गया। तो यहां से मेरे पास ये आ गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर बी एक्स साइन एक्स और पी लेफ्ट हैंड साइड में चला हुआ है इक्वल टू क्या गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी माइनस बी आ गया। तो यहां से मैं ये कहता हूं सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एक्स हम जानते हैं कि साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यहां से साइन एक्स की जगह तो साइन एक्स है लेकिन पी की जगह पी माइनस बी है तो इस फॉर्मूले में क्या कर दू पी की जगह पी माइनस बी कर दू तो मेरे पास क्या जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर बी एक्स इंटू साइन ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन पी माइनस बी का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। ऐसे ही हम ये कह देंगे सिमिलरली अगर हमें क्या पूछ ले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर बी एक्स इंटू कोस ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी का पूछ ले तो कोस ए एक्स का पूछ लेगा तो यहां साइन में यहां ए आया था ऊपर कोस में क्या आता है पी आता है तो ये क्या जाएगा पी की जगह पी माइनस बी आ जाएगा तो पी माइनस बी अपॉन पी माइनस बी का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इसी बेस पे करना इसको करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। सेम वही डेफिनेशन लगाओगे बस यहां ऊपर ए था यहां ऊपर पी होगा तो पी की जगह हमारा क्या बनेगा नया पी माइनस बी बनेगा पैरामीटर तो पी माइनस बी आ जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रहेंगी तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे।